हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे अदानी व्यूमर के बारे में। नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं और आगे क्या करना चाहिए, उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि आपको 1 डे से 10 डेज में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, अदानी व्यूमर का मेरा वीडियो जाके देखिए, पिछला मैंने आपको क्लियर कट कहा था डोंट बाय अदानी व्यूमर नाउ। लोगों को लगा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको बताया था 6:30 को जब तक क्रॉस करता नहीं है फ्रेश बाइंग करना नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। और एग्जैक्टली वही हुआ, 5:28 तक जाया गया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। आज भी अगर आप देखोगे 6:23 का हाई लगाया बट सस्टेन नहीं कर पाया, 5:98 का क्लोज लगाया एंड क्लोजिंग दिया है 603 रुपीज़ पर, जो कि 600 रुपीज़ का एक सपोर्ट है, उसको मेंटेन करने की आज कोशिश कर रहा था अदानी व्यूमर का शेयर। आज वॉल्यूम भी फिर से ड्राई अप हो चुके हैं, ओनली 20 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है BSE और NSE मिलाकर। तो वॉल्यूम ड्राई अप होना मतलब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दिनों में और भी आ सकती है। आज करीब करीब 2% का डाउनफॉल देखने को मिला अदानी व्यूमर में। नेक्स्ट लेवल है 580, उसके बाद में है 560 एंड 500। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 630 का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब तक इसको क्रॉस करता नहीं है फ्रेश बाइंग नहीं करना है, अभी गिरावट चलती रहेगी तो वेट करना है, कहाँ जाके सेटल होता है हमें देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ बैड न्यूज़ आ गई है, बट मार्केट में जो अभी काफ़ी भाग चुका था अदानी व्यूमर का शेयर, 500 से 630 तक चला गया था, तो ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और चल सकती है। कल अगर मार्केट में वीकनेस रहा तो फिर से 580 तक भी जा सकता है, मार्केट में वीकनेस नहीं रहा तो साइडवेज होकर मेंटेन करने की कोशिश भी कर सकता है। इसीलिए जो लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे थोड़े थोड़े शेयर बेच भी सकते हैं, 30% 50% शेयर्स ऑफ द अदानी व्यूमर, क्योंकि अगर इस बार मार्केट में क्रैश हुआ तो फिर से नीचे जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने 500, 520, 530 में बाय किया है वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं, और इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग करना थोड़ा बनता है, उतना वेट करना है जब तक फिर से स्टॉक मोमेंटम आता नहीं है, फ्रेश बाइंग अवॉइड करना है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।